वेलकम गाइस, गाइस आप देख रहे हैं अपना AKR अपडेट चैनल। गाइस आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। गाइस जैसा कि आप सारे जानते हैं कि JKSSB ने न्यू पोस्ट निकाली थी 1700, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो पोस्ट थी, इसमें 10+2 लेवल के लिए पोस्ट थी, इसमें ग्रेजुएशन लेवल के लिए पोस्ट थी, इसमें मैट्रिक लेवल की पोस्ट थी। और जैसे ही मैंने अपनी दो पिछली वीडियो में मैंने सिलेबस की दो वीडियो डाली थी, एक में मैंने ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस था, ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट थी उसका सिलेबस डाला था, और इसके बाद मैंने डाला था मैट्रिक लेवल की जो पोस्ट थी इसका सिलेबस। आज मैं आपके सामने जो न्यू वीडियो लेके आया हूँ, आज की जो वीडियो है ये है JKSSB फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो 10+2 लेवल की जो पोस्ट है उसका सिलेबस, ये जो न्यू सिलेबस है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो इसमें जो पोस्ट थी असिस्टेंट कंपाइलर, उसके लिए मैं आज सिलेबस लेके आया हूँ। तो गाइस आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे ही कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो इसके बारे में आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो गाइस बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। गाइस ये जो आज वीडियो है मेरी, इसमें हम बात करेंगे जो सिलेबस है रिटन टेस्ट फॉर 10+2 लेवल पोस्ट असिस्टेंट कंपाइलर की फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो गाइस इसमें भी जो मार्क्स हैं 120 आएंगे, ठीक है, 120 मार्क्स में से 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और टाइम ड्यूरेशन भी इसका कितना है, 2 आवर्स ही है। इसमें अगर बात करें तो इसमें जो जूनियर फर्स्ट है जनरल इंग्लिश का, इसमें 15 मार्क्स होंगे। इसमें आपका सिलेबस है पैराग्राफ राइटिंग होगा, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग होगा, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंस, डायलॉग होगा, नरेशन होगी, मॉडल्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे, पैराग्राफ राइटिंग विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन द फॉलोइंग फ्रेजेस, प्रोनाउन, हारमोनियम्स और होमोफोन्स होंगे, क्लाजेस होंगे, पंचुएशन होगी, सनानियम्स और एंटानियम्स होंगे, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंस होगा, एडियम्स और फ्रेजेस होंगे, और यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो इसमें गाइस जो आपका इंग्लिश का होगा तो इसमें 15 मार्क्स तक के आपका सेक्शन होगी। अब बात करें हम सेकंड यूनिट की मैथमेटिक्स की, इसमें भी 15 मार्क्स हैं। इसमें आपका आएगा प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द गिवन क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन्स, फ्रस्टम ऑफ कोन। और इसके साथ साथ सेकंड नंबर पे है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। प्रॉफिट और लॉस होगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स होगा, प्रोग्रेशन होगा बोर्ड मास का, प्रोबेबिलिटी होगी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन सिंगल इवेंट। इसके बाद अगर बात करें हिस्ट्री, वो भी आपकी 15 मार्क्स की होगी। इसमें आएगा रिवोल्ट 1857 का, इसके काजेज और इफेक्ट्स, राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट, उसके फैक्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 एंड रोल ऑफ मॉडरेट्स, फैक्टर्स लीडिंग टू द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द कांग्रेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंपॉर्टेंट डेट्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स विद रेफरेंस टू इंडिया, बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट होगा। इसके बाद होगा आपका राइज ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906, इसके काज क्या थे, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा, क्यूट इंडिया मूवमेंट होगा, इंडिपेंडेंस और पार्टीशन ऑफ इंडिया होगा। ये भी 15 मार्क्स का हो गया। अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ जूनियर सिविक्स का, ये भी 15 मार्क्स का है। इसमें आएगा ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आएगी, और जो हिंड्रेंस है डेमोक्रेसी के सामने वो आएगी। अगर हम आगे बात करें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पब्लिक ओपिनियन, रिप्रेजेंटेशन, फ्रेंचाइजी, सीक्रेट बैलेट, नॉमिनेशन, सिंबल, द कंपेन, प्रेजिडेंशियल इलेक्शन, लैंग्वेजेस, सिटीज एंड विलेजेस, द यूनाइटेड नेशंस। अब जो फिफ्थ पार्ट है ज्योग्राफी का, इसमें 15 मार्क्स होंगे। इसमें आएगा चेंज ऑफ सीजन्स, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ J&K, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, नेशनल जूलॉजिकल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेफरेंस टू J&K सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। वाटर सोर्सेज आएंगे, सोर्सेज ऑफ वाटर विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ J&K। रिसोर्सेज की बात करें, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर सोर्सेज, रेन वाटर हारवेस्टिंग और रोड्स, जो अलग अलग रूट हैं ड्यूटी जो J&K की है उनके। इसके बाद अगर आगे बात करें तो जो इसका सिक्स पार्ट है उसमें आएगी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, ये भी 20 मार्क्स की है। इसमें एब्रीविएशन से आएंगी,
पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ आएगी, जोग्राफिकल डिस्कवरीज आएंगी, प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया आएगी, कैपिटल एंड करेंसीज ऑफ कंट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNO, WHO, WTO, IMF, UNESCO, UNCTAD एक्सेट्रा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और ब्लॉक्स जैसे ब्रिक्स, ओपेक, एशियन सार्क, बिमस्टेक, G20 और G7 एक्सेट्रा। इसके बाद आगे बात करें तो इसमें आगे आएगा आपका स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया सिलेबस है। इसमें इंडियाज ऑटोमेटिक एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, हॉनर्स एंड प्राइजेस आएंगे, 7 वंडर्स आएंगी, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, GDP, GNP पर कैपिटा इनकम आएगी, थर्मल न्यूक्लियर हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया जे भी होगा। इसके बाद अगर आगे बात करें यूनिट 7 के, इसमें जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ J&K जे 15 मार्क्स की आएगी। इसमें आएगी पॉपुलर पर्सनैलिटी है, उनके नेम होंगे, उनकी अचीवमेंट होगी, कंट्रीब्यूशन होगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो पॉपुलर नेम और पर्सनैलिटी हैं, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके बाद J&K की हिस्ट्री, इकॉनमी और कल्चर, फ्लोरा और फौना J&K का, रिवर्स और लेक्स जे भी सब कुछ J&K का है इस सेक्शन में। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन J&K पंचायती राज एक्ट 1989 और जो अमेंडमेंट हुई थी अप टू दिसंबर 2020 तक जो अमेंडमेंट हुई थी वो इसमें आएंगी। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जे सिलेबस है। नेक्स्ट J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जे भी है। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है उसके 10 मार्क्स होंगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आएगी नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन। तो गाइस जे सिलेबस था जो मैट्रिक लेवल की पोस्ट जो थी असिस्टेंट कंपाइलर उसका सिलेबस था। तो गाइस इसकी जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो गाइस ये मेरी थर्ड वीडियो थी सिलेबस के रिगार्डिंग। पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी जिसमें ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट थी इसके लिए सिलेबस था, सेकंड मैंने की जो मैट्रिक लेवल की पोस्ट थी उसके लिए, अब जो 10+2 लेवल की जो असिस्टेंट कंपाइलर की पोस्ट थी इसका सिलेबस है। ये पार्टिकुलर 10+2 की असिस्टेंट कंपाइलर का सिलेबस है। अब मैं एक और सिलेबस की वीडियो अपलोड करूँगा, वो जो है वो आएगी जो और 10+2 लेवल की जो और पोस्ट थी अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो इसका मैं सिलेबस में अपलोड कर दूंगा इसकी वीडियो भी। तो इस PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा जी वीडियो, आप वहां से अपलोड कर लोगे। तो गाइस यही था जो नया अपडेट मैं देना चाहता था, लेके आना चाहता था आपके लिए। तो गाइस आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप इस चैनल में तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दो। थैंक यू गाइज़।